अगर आप प्रवासी मजदूर हो, आप बाहर गए थे, आपको पास राशन कार्ड नहीं है, तो आपको भी मिलेगा जो है फ्री में दाल चावल। ये कैसे मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पूरी प्रोसेस आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक बने रहना, तब आपको पूरी समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से आपको जो है राशन लेना है फ्री में 2 महीने का। इसके लिए पंजीयन करने के लिए दोस्तों चलना होगा मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा किस प्रकार से आपको पंजीयन करना है फ्री दाल चावल के लिए। हमारे मोबाइल स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, मेरे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप जो है एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, या तो आप प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रवासी खाद्य मित्र इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। ये जो ऐप दिख रहा है दोस्तों, इसी ऐप को आपको डाउनलोड करना है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसको सिंपली से ओपन करना है। तो ओपन करने से पहले दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं सबसे पहले जो आप लोगों को अपडेट मिल जाए। दोस्तों इसको ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको इसमें किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है और जो है फ्री दाल चावल लेना है यहाँ से 2-2 महीने का। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ओपन करते हैं। जैसे ओपन करेंगे दोस्तों, हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जब मैं पिछले वीडियो में बताया था, सेम प्रोसेस प्रक्रिया दोस्तों इसमें भी, पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जो है राशन कार्ड कैसे बनाना है। तो उस वीडियो को आप नहीं देखे हो तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आई बटन पर देने की कोशिश करूँगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ भी सेम प्रोसेस है। लेकिन जो तो यहाँ पर मैं बता दूँ इसको जो है किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप करना है और कैसे फिलअप करना है, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को जो है छोड़ के मत जाइए, आज पूरा इसको देख लीजिए, तब आपको पूरी समझ आ जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ करते हो तो आपको राशन नहीं मिलेगा। तो राशन मिलने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जिला पूछ रहा है, तो आपका जिला कौन सा है, यहाँ फटाफट से अपना जिला डाल दीजिए, जो भी जिला है। यहाँ केवल और केवल छत्तीसगढ़ के लिए है, तो ये छत्तीसगढ़ लोगों के लिए है, केवल छत्तीसगढ़ का जिला है यहाँ पर शो करेगा, और छत्तीसगढ़ के लिए ये ऐप है। छत्तीसगढ़ शासन ने ये जो ऐप जारी किया है, बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको पता नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें इसको, ताकि उनको भी पता चल सके कि फ्री में जो है दाल चावल मिलने वाला है प्रवासी मजदूर को, तो उनको भी पता चल सके। तो अपना जिला फटाफट से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद, ये मेरा महासमुंद जिला है, मान लो के बाद सिर्फ सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, मैं महासमुंद से हूँ, लेकिन मैं जो है महासमुंद जिला से हूँ, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। तो आप जो है ध्यान से देखिए, तब आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है ग्रामीण शहर चुने, यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं, और जैसे कि जैसे दोस्तों यहाँ पर हम ग्रामीण सिलेक्ट कर लेते हैं, ग्रामीण से है तो ग्रामीण सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको जो भी हो वहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको विकासखंड सिलेक्ट करना है, तो मेरा विकासखंड आता है बसना, ठीक है, बसना सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ग्राम पंचायत चुने, ठीक है, यहाँ पर अपना ग्राम पंचायत या तो आप वार्ड पंचायत चुन सकते हैं, मैं यहाँ पर अपना ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ग्राम पंचायत सिलेक्ट करूँगा दोस्तों, फटाफट से मैं अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत आ गया। उसके बाद यहाँ पर आता है दुकान, आपको जो है आपके जो है दुकान कौन सा है, मतलब आपके सोसाइटी, जैसे यहाँ पर हम लोगों को खाद्य मिलता है जो फ्री में खाद्य देते हैं, या तो वहाँ से खरीदते हैं, ठीक है, अभी तो फ्री मिल रहा है फिलहाल, लेकिन जो पहले हमें ख़रीदना पड़ता था, उस खाद्य दुकान कौन सा है, कहाँ कहाँ पर है, तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप जो है जौन से खाद्य विभाग से, मतलब जो भी आपका दुकान है वहाँ को सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पर फटाफट से यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ, अपना उड़ेला है मेरा, तो यहाँ पर उड़ेला कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रवासी व्यक्ति का नाम, यहाँ पर फटाफट से उस व्यक्ति का नाम देना है जिसका आप पंजीयन कर रहे हैं। तो फटाफट से मैं अपना नाम दे देता हूँ, मेरा तो फिलहाल तो राशन कार्ड है मेरा, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, तो मेरा फटाफट से नाम दे देता हूँ, ठीक है, ये मेरा नाम हो गया, ठीक है, ये मेरा नाम हो गया, ठीक है। नाम होने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपना पिता का नाम भी देना है। पिता का नाम देने के लिए दोस्तों फटाफट से अपना जो भी आपका पिता का नाम है वो फटाफट से यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो मैं पिता का नाम अभी टाइप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पिता का नाम टाइप नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिंक आ रहा है, लिंक पर आपको क्लिक करना है। आप पुरुष हो तो पुरुष, महिला हो तो महिला, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं पुरुष हूँ तो पुरुष सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर पहचान पत्र, पहचान पत्र में दोस्तों आपको क्या क्या जरूरी है, पहचान पत्र में आपका जो है बता दो, यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ पहचान पत्र। पहचान पत्र में दोस्तों आपको चाहिए आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप आधार कार्ड नहीं है तो, अगर आधार कार्ड के लिए आपको पंजीयन कराया था वो स्लिप भी चलेगा। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो फिर भी चलेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो फिर भी चलेगा। अगर आपके पास इसमें से कुछ नहीं है तो आपको जो है एक एप्लीकेशन, मतलब आवेदन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है, ठीक है, जिसका वो किसी राज्य
पत्रित अधिकारी, अधिकारी कोई भी अधिकारी आपको जो है तहसीलदार हो चाहे जो भी शासन शासकीय होना चाहिए, अगर उसको आपको अपने पहचान पत्र में काम आता है तो उसी को आप जो है यूज़ कर सकते हो। या तो आप जो है किसान फोटो पासबुक, अगर आपके पास कोई पासबुक है, ठीक है, पासबुक है किसान वाला, तो उसको भी आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें तो आधार कार्ड नंबर हमारे पास है तो आधार कार्ड भी क्लिक कर देते हैं। जैसे आधार कार्ड नंबर पर क्लिक करते हैं, हमको जो है यहाँ पर आधार क्रमांक मांगा जाएगा। यहाँ फटाफट से आधार क्रमांक डाल देना, जो भी आधार क्रमांक है आपका 12 डिजिट का, इसमें आधार क्रमांक डाल देना है। उसके बाद एक और क्या करना है आपको, यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर है 10 अंकों का मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद बोला जा रहा है कि जो आप पंजीयन कर रहे हैं उस व्यक्ति का उम्र क्या है, तो यहाँ पर जो भी उम्र है 25, 30, 35 जो भी है यहाँ पर क्लिक दीजिए। उसके बाद प्रवासी व्यक्ति का पूरा पता, पूरा पता लिखने के लिए दोस्तों अगर आपके आपने आधार कार्ड दिया है, ठीक है, जहाँ वहाँ आधार कार्ड नंबर दिया है तो आधार कार्ड में जो पता है वो पता आपको डाल देना है, जो पता आपका आधार कार्ड में है वो पता आपको डाल देना है, फटाफट से डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों नीचे आना है, आगे बढ़े पर क्लिक करना है। आगे बढ़े पर जैसे क्लिक करोगे दोस्तों आपको एक SMS आएगा, उस SMS पे दोस्तों आपको जो है एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर को दिखा के आप जो है राशन दुकान से जो है राशन ले सकते हो। तो ये थी दोस्तों वीडियो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मैं दोस्तों आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं ऑलरेडी मेरे पास राशन कार्ड है और ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसका जो है मैं अभी जो है पंजीयन करके बताऊँ, लेकिन पंजीयन करके आपको नहीं बता पाया क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं फूक आगे नहीं बढ़ पाया यहाँ से, क्योंकि दोस्तों अभी मेरे पास कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो इसका पंजीयन करूँ। तो इस प्रकार से आप जो है कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करोगे तो आपने आप जो है आपको एक नंबर मिल जाएगा, उस नंबर को दिखा के आप राशन ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।